बेटा क्लास 11th का मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, वो वाले क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। तो एक्सरसाइज है आपकी 3.3, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 होगा क्या, मैं आपको फॉर्मूला लिखूँगा, क्वेश्चन लिखूँगा, उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्व कराऊँगा और एक लिस्ट बनाता चलूँगा कि जो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है साइन 75 डिग्री। हो सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपने पढ़ लिया है, रिवीजन क्लास में ले रहा हूँ। साइन 75 है बेटा, तो ये होगा साइन 45 प्लस 30 डिग्री। बात आती है सर कि ये तो समझ आ गया कि 45 प्लस 30 है, बट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो आप इसे लर्न करिए, ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो कैसे सॉल्व किया जाए? बेटा जी ये ए है, ये आपका बी है, फॉर्मूले में लगा दीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साथ में क्या आएगा साइन बी। इससे पहले वाली वीडियो में डाल दी थी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 3/√2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/√2, 1 अपॉन में आ गया 2/√2, तो सॉल्व करके आया 3+1 2/√2। क्लियर? केवल केवल फॉर्मूला मालूम होता ना तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आप अपना आंसर इससे आगे करना चाहें तो रेशनलाइजिंग कर सकते हो, वरना आप अपने आंसर को इतना छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो बेटा। पहला तो मैंने आपको पढ़ा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 10/15। अब बात आती है सर कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो याद हो गया, यदि होता साइन ए माइनस बी तो क्या करते? तो आप लगाएंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि आपको दिया है कॉस ए प्लस बी तो फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं आपसे बोलूँ कॉस ए माइनस बी तो फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। लॉजिक समझ आया? तो हमने इसके चार फॉर्मूले जो हैं अच्छे से याद कर लिए। पांचवा फॉर्मूला बनता है टेन ए प्लस बी, तो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी 1 - tan A tan B। सिक्स फॉर्मूला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी, तो 1 + tan A tan B। टेन ए माइनस बी को आप यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा टेन ए माइनस टेन बी और अपॉन में आएगा 1 + tan A tan B। तो ये छः फॉर्मूले के सेट बना के याद करते हैं बेटा। तो पहले आप ये छः फॉर्मूले देखिए, फिर नेक्स्ट छः फॉर्मूले जो हैं वो हम इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं 10/15 क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे किया जाए? 10/15 आप लिखेंगे 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आपको दिया है ये टेन ए माइनस बी। जब आप टेन ए माइनस बी को सॉल्व करते हो तो कैसे होगा? आप लिखेंगे 10/45 माइनस 10/30 अपॉन में आएगा 1 + tan 45 tan 30 डिग्री। 10/45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये होगा 1/√3, 1 + 1 × 1/√3। भैया जब तक वैल्यू याद नहीं होगी ये चैप्टर नहीं हो पाता है, तो पहला काम है वैल्यू लर्न करने का। और ज़्यादा मत करो, जो मैंने आपको वीडियो बताई है उसे एक बार देखो, सब कुछ उसमें दिया हुआ है कैसे करना है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ऑफलाइन क्लासेस पहुँचो, फटाफट से वहाँ पे नोट्स लो, करना स्टार्ट करो, और ध्रुव भैया तृप्ति दीदी आपकी हेल्प करेंगे, फुल इन्जॉय। ठीक है, इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3/√3 आएगा। ये क्या है 1 से 3 गया तो 3, 3 से 3 कट गया तो क्या आया 1। यहाँ पे आप चेक करें तो ये क्या है 3 हो गया एलसीएम, 1 से 3 गया तो 3,
रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हुआ वन, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, सॉल्व कर दिया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब हम आपको बताएंगे, पूछ लिया जाएगा बेटा जी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले जो मुझे क्वेश्चन सिखाना है आपको बेटा जी वो है टेन टेन फोर एक्स, एग्जाम में गारंटीड आने वाला क्वेश्चन टेन फोर एक्स, फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर एक्स। आपको इसमें याद करना है एक फॉर्मूला टेन टू एक्स का, कौन सा फॉर्मूला, टेन टू एक्स, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला याद करेंगे आप टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जस्ट आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है, आपको प्रूफ करना है फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर टेन फोर की पावर एक्स। ठीक है स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है टेन फोर एक्स, आगे दिया है आपको वो प्रूफ करना है। देखो बेटा यहाँ टेन टू एक्स दिया है, इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड, इधर की साइड राइट हैंड साइड, यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहाँ लिखेंगे टेन फोर एक्स, यहाँ पे आएगा टेन टू टू एक्स, क्लियर। तो अब ये बन गया टेन टू थीटा, यानी इधर थीटा के प्लेस पे है टू एक्स। टेन टू एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, आप यहाँ लगाएं टेन टू टू एक्स पे क्या होगा टेन टू टू एक्स, यानी ये है आपका थीटा, बात समझ आया। तो आप लिखेंगे टेन टू एक्स की जगह टू टेन टू एक्स, टू एक्स यहाँ पे बाहर टू है, ठीक है ये तो फॉर्मूला है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे तो टेन टू टू एक्स हो गया, टू टेन टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स, आई थिंक सो क्लियर हुआ भाई। टू की मल्टीप्लाई टू से करोगे फोर आएगा, अब ये एक तरीके से है आपका फोर एक्स ही, लेकिन यहाँ पे दो बार फॉर्मूले आपको मिल गए। यहाँ लिखेंगे आप टू टेन टू एक्स क्या होता है, यस बोलिए टेन टू एक्स क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे माइनस दिया है तो आप यहाँ लिखेंगे टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कैसी रही, और यहाँ पे दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर, आई थिंक सो बेटा ये बात तो समझ आई होगी। क्वेश्चन दमदार चल रहा है, मज़ा आ रहा है करने में। चलिए किसी को यहाँ तक कोई समस्या, आई थिंक सो नो। टेन फोर एक्स लिखिए, सुंदर सा लिखिए टेन फोर एक्स, टू टू ज़ा फोर, फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर तुम्हें दिया हुआ है वन माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कैसी रही यहाँ तक की बात, मज़ा आ गया सर। टेन फोर एक्स, फोर टेन एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लीजिए बेटा जी, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। स्टेप क्लियर हुआ हो, फोकस रखना जरूरी है, थोड़ा स्टेप टफ हो जाता है बेटा। ये तो ऐसे कैसे आ गया, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया ऐसे आ गया, कोई डाउट। यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसे स्टेप को क्लियर करते हैं, यहाँ लिखता हूँ वही फोर टेन एक्स, रिपीट कर रहा हूँ, अपॉन में वही वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। ये डिवाइड में है ना, पढ़ा है डिवाइड में क्या होता है, यदि टू के डिवाइड में वन अपॉन टू है तो साइन करके उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई को, डिवाइड को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, ये आप ऊपर लिख दो
ये नीचे वाला रेसिप्रोकल है ना, ये ऊपर और ये आ गया नीचे। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 10 की पावर 4x ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, साथ में दिया है माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स। दोबारा देखिए इस चीज़ को, सिंपल यहाँ आ जाइए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, 2ab। तो 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक बात समझ आई? तो देखिए आगे चलते हैं, यहाँ दिया है 4 टेन एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर था, दो बार लिख दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, लाइन खींच दो, 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर? इससे ये काट दो तो क्या आंसर आएगा, 4 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। जो भी सॉल्व करा ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचा है तो वो इसके बराबर में लिख दो। अब इससे हम देखते हैं प्रूफ कहाँ करना था, देखिए ये आया प्रूफ वाला, 4 टेन एक्स था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स था, 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन 4x आ गया। किसी को कोई समस्या, हैंस प्रूव्ड, मज़ा आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन करने में, हाँ चल अच्छा लगा क्वेश्चन, गुड बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, अच्छा एक काम करते हैं, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। रीज़न है बेटा, इसमें मैंने आपको जो ये 3-4 क्वेश्चन कराए, आप पहले इसको अच्छे से कर लो, इसी के बेस पर एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आप उसको दूसरे तरीके से समझ लेना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए फॉर्मूलों के साथ। गॉड ब्लेस यू बेटा।